नमस्कार, विंध्य भारत के साथ मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर। रीवा जिले के अतराइला थाना क्षेत्र में हुए अंधी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। बीते दिनों अतराइला थाना पुलिस के बावलिया के जंगल में एक नर कंकाल बरामद किया था। पुलिस ने मौके से साक्ष्य एकत्रित कर कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और घटना की जांच में जुट गई। मामले की जाँच में जुटी पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि नर कंकाल की शिनाख्त की गई। मृतक गोल्डी कोल को इन्हीं 3 आरोपियों ने मिलकर मौत के घाट उतारा था। मृतक गोल्डी का गाँव के ही रहने वाले एक व्यक्ति के साथ विवाद हुआ था, जिसके बाद उसी व्यक्ति के बेटे ने हत्या की साजिश रची और 2 दोस्तों के साथ मिलकर हत्या कर दी। ये थाना त्रेला की बात है, वहाँ पे महेलिया घाट में नर कंकाल मिला। उस पे एफएसएल यूनिट वहाँ भेजा गया और एविडेंस कलेक्ट कराए गए और उसके बाद उस कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिस और उस कंकाल की शिनाख्त वहाँ के आसपास के लोगों ने गोल्डी कोल के रूप में करी, देवघर के रहने वाले। उनके बारे में बताया गया कि 30 मार्च से वो घुमा था और लगभग 11 दिन बाद उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई गई 11 अप्रैल। उसके बारे में फिर पड़ताल चालू करी गई, ज्ञात हुआ कि उसकी हत्या करी, जिसमें 3 आरोपियों ने अपनी पुरानी रंजिश को लेकर उससे घटनाकारित करना कोशिश किया, जिसको हमने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी कौन थे सर, कहाँ के रहने वाले थे, क्यों हत्या? उसी गांव के रहने वाले थे। इनके आरोपी मोती गोल है, उसके पिता से गोल्डी गोल का विवाद, इसी बात को लेकर के ये घटना और रंजिश का बदला लिया।